हाय गाइस, वेलकम टू अनदर मिनी व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं एम्स्टरडम, और ये मैंने कियोस्क एक शॉप है स्टेशन पे ले ली, सेंटर पे, वहां से ले ली मैंने अपनी ग्रीन टी। कॉफी मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ, और खासकर अरु साथ हो तो अवॉइड ही करनी चाहिए क्योंकि डांट पड़ती है। उसके बाद आ गए हम प्लेटफॉर्म पे, चीयर्स किया, कॉफी पी अपनी, सॉरी ग्रीन टी पी। ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन बस आने ही वाली है और ये आ गई। और ये सारी डबल डेकर ट्रेन ही होती है, वंदे भारत जैसी। यहाँ से हम जाएंगे एम्स्टरडम सेंट्रल, तो बीच में हमें चेंज भी करनी पड़ेगी। अल्मेरा सेंट्रम करके एक स्टॉप आता है, चेंज करके एम्स्टरडम सेंट्रल, फिर हमने ली मेट्रो, और मेट्रो से हम आ गए फाइजल क्राक्ट, जहाँ से हम राइक्स म्यूजियम की तरफ अब वॉक करेंगे। पर आपको मैं साथ में ही दिखाता हूँ, बीच में ये कबूतर, ये पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे कबूतर आपको ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे वॉक करते हुए स्ट्रीट पे, और ऐसे ही क्रॉस कर जाते हैं। ये पता नहीं भूल गए हैं उड़ना, या इन्हें चलने में ज्यादा मजा आता है, पर ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि दिखे ना आपको, बहुत ही नॉर्मल चीज है। फिर राइस म्यूजियम के पास ये है उसकी टनल, एंट्रेंस की टनल। यहाँ पे ये लेडी बहुत ही अच्छा, शी वॉज सिंगिंग रियली नाइस। और साथ ही साथ एक बंदा यहाँ पे ब्रेक डांस भी कर रहा था, ये आया स्क्रीन पे। और यहाँ पे सैटरडे था, भीड़ भी थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाते हैं और भी चीज़ें कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़। और ये फिर हमने थोड़ा फोटोशूट किया, और उन्हें मेरी सुंदर सुंदर फोटोज़ क्लिक करी, और साथ में हम दोनों ने भी क्लिक कराई। ये मैं राइक्स म्यूजियम के अंदर गया, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है यार मुझे म्यूजियम में इतना, क्योंकि पर ये बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, पर हाँ मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं हर चीज़ पढ़ूँ और उसको देखूँ। पर हाँ, अगर आपको एक म्यूजियम आना है एम्स्टरडम में, देन इट इज़ राइक्स म्यूजियम। नेदरलैंड्स की पूरी हिस्ट्री 5 फ्लोर में बहुत अच्छे से डिपिक्टेड है, तो यही आपका गो टू म्यूजियम हो सकता है। इसकी एंट्रेंस आई थिंक अराउंड 17 यूरोज है, मेरे लिए तो फ्री थी क्योंकि जिस बैंक में मैं काम करता हूँ उनके लिए फ्री एंट्रेंस है। फिर हमने ली यहाँ से ट्रैम से, क्योंकि अरु को खाने थे इडली सांबर। ट्रैम लेके हम पहुंचे फान बाउस्त्रात करके स्टॉप उसकी, क्योंकि उसी के पास है अन्ना विलास इंडियन, साउथ इंडियन बेसिकली रेस्टोरेंट, जिसके इडली सांबर बहुत अच्छा है। और हमने फान बाउस्त्रात उतर के फिर हमने करी वॉक, और ये आ गया हमारा इडली सांबर जो अरुण ने खाया। मैंने पी सिर्फ फिल्टर कॉफी, मेरा खाने का ज्यादा मन नहीं था, और फिल्टर कॉफी पी के फिर हम निकले वापस और आ गए एम्स्टरडम सेंट्रल। थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन करा, फिर साथ ही साथ मुझे एक सुंदर सा लड़का दिखा, तो मैंने स्क्रीन पे से भी कवर कर लिया अपने कैमरे से। और ये आपको पीछे पूरा सेंट्रल स्टेशन दिख रहा है, आगे रिवर आए है ये जिसका पानी दिख रहा है। अगर आप कभी एम्स्टरडम सेंट्रल स्टेशन आओ, कनाल राइड्स लेनी हो, तो यहाँ से आपको कनाल क्रूजेस बेसिकली बोट्स मिल जाती हैं राइड करने के लिए, और वो आपको पूरा एम्स्टरडम घुमा देंगे। फिर हम थोड़ी देर वहाँ बैठ के अब आ गए वापस ट्रेन लेके स्टार्ट, जहाँ पे है मेरा घर। और रात हो गई थी और थक गए थे, बस अब वॉक करके घर जाना है, सोना है। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और देखना है तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल इट्स भारत कालरा, ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इट्स अगेन भारत कालरा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।